नमस्कार दोस्तों, टेक्नो टेक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए ले आया हूँ एक स्पेशल वीडियो, जिसके बारे में आप सब सुना होगा कि जियो फोन का जो स्कैम है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, वीडियो में डिसलाइक या कुछ भी कमेंट करने से पहले प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पर मैं आप लोग को स्कैम के बारे में कुछ बताने वाला नहीं हूँ। उसका एक रीज़न है कि इसका पहले से बहुत पहले बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुका है, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पर मैं आप लोग को जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो इस जियो का जो प्लान है, मतलब प्लान मतलब मान लीजिए बिजनेस स्ट्रैटेजी है, उसके बारे में मैं आप लोग को बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन लोग के लिए वीडियो शायद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए शुरू से एंड तक, ओके। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग को पता ही होगा कंडीशन क्या है कि आप लोग जब जियो फ़ोन बुक करते हैं तो उसको आपको डिपॉजिट देना पड़ता है 500 रुपीज़। जब आपको फ़ोन मिलता है तो आप लोग को पता ही है 1000 रुपया और दे के 1500 रुपया दे के आपको फ़ोन लेना पड़ता है, जो आपको रिफंडेबल है। बट जियो ने यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाया है, जो बाद में फ़ोन बुक करने का बाद में पता चला है कि आप लोग ये फ़ोन 3 साल तक रिटर्न नहीं कर सकते। रिटर्न कर सकते तो आपको कुछ फीस कटे जाएंगे, मतलब आपको पूरा 1500 रुपये डिपॉजिट जो आप किए हैं और रिफंड नहीं मिलेंगे। और एक कंडीशन क्या है, आपको फ़ोन यूज़ करना है रेगुलर, मतलब ये उन लोगों का एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। यही बिजनेस स्ट्रैटेजी को आप लोग को समझना है और इसको ही आप लोग को अपने जो खुद का बिजनेस होगा वहाँ पर आपको एप्लीकेबल करना है। देखिए ये मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपिटिटर है, ठीक है, जो आपकी जगह पर वो सामान देने के लिए काबिलियत रखता है और ट्राई कर रहा है कि खुद को ऊपर ग्रो करे। सो यही स्ट्रैटेजी जियो ने भी अप्लाई किया है। ये लोग जो चाहते हैं ये टोटली मोनोपोली है। अब मोनोपोली का मतलब क्या है, मोनोपोली बिजनेस एक इस तरह का बिजनेस है जहाँ पर सिर्फ एक की मतलब सेलर होगा, ठीक है। जैसा मान लीजिए अभी इसी वक्त टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत सारा कॉम्पिटिटर है, जैसा मान लीजिए एयरटेल, BSNL, वोडाफोन, आइडिया, ठीक है, ऐसा बहुत सारा है। तो मान लीजिए ये लोग का जो प्लान है जियो फ़ोन में, अगर मान लीजिए 50 करोड़ फ़ोन जियो का जो है उसको दिया जाएगा, अगर मान लीजिए 50 करोड़ फ़ोन उन लोगों को दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसको अगर आप लोग का हर महीने आपको रिचार्ज करवाना ही पड़ा तो आप 3 साल के लिए वो लोग के पास आप बाउंडेड कस्टमर हो गए। सो आपको उसको लेना ही पड़ा, ठीक है। सो आप जब इसमें फीस हर महीने आप भरते रहेंगे पैसा, तो डेफिनेटली आप दूसरी कंपटीटर जो है मतलब एयरटेल वोडाफोन वगैरह धीरे धीरे उसमें आप लोग रिचार्ज कम करवा देंगे। कंपनी में जब धीरे धीरे लॉस होता रहेगा तो क्या होगा कि कंपनी को उस लॉस के लिए उस कंपनी को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का कुछ मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो भी आप लोग अगर वो लोग मतलब नहीं ले पाएंगे तो डेफिनेटली कंपनी को बंद करना पड़ेगा। सो अगर कंपनी बंद होता है तो धीरे धीरे जियो मतलब मोनोपोली बिजनेस कर सकते हैं। मतलब मैं समझाना चाहता हूँ आप लोग को कि इसका मतलब ये है कि जो जियो है मार्केट में इकलौता फ़ोन कंपनी होगा। सो तब जियो क्या करेगा, आप लोग से जो भी मतलब कॉस्ट है उसको वसूल करेगा। मान लीजिए तभी शायद डाटा कीमत बढ़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि और कोई कंपटीटर है ही नहीं मार्केट में, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इस तरह का एक स्ट्रैटेजी है। दूसरा एक स्ट्रैटेजी जियो ने अप्लाई किया कि पहले फ़ोन को फ्री ऑफ कॉस्ट बांट दो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट बांट देने से हम सब जो इंडियंस है वो फ्री चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। वो क्या देते हैं हम लोग देखते नहीं है, तुरंत जाके मार्केट से उठा लेते हैं, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो हम लोग डेफिनेटली अगर फ्री में मिल रहा है बोल रहे हैं कि 1500 रुपये जो है रिफंड मिल जाएगा, इसका पहले इसलिए कंडीशन नहीं लगाया था कि लोग डर के फ़ोन ना ले, इसलिए पहले प्री बुक हो गया, उसका बाद अभी कंडीशन लगा दिया बाद में, जो टोटली जो जो भी बोले ये रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि कंज्यूमर को पता ही नहीं है और एक चीज़ बाई कर रहा है उसके बाद उसके ऊपर क्या लागू हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए 50 करोड़ फ़ोन जियो का ले लिया, मतलब 50 करोड़ इस में जियो का जो है नंबर खुद का हो गया। इससे पहले वो लोग का लगभग 15 करोड़ सिम जियो है अभी एक्टिवेट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक्टिवेट है, क्योंकि वो लोग कोई भी सिम बंद नहीं किया है, कोई भी सिम आप अगर उसमें रिचार्ज ना करवाए हो तो भी वो सिम बंद नहीं हुआ होगा, क्योंकि मेरा खुद का जो एक सिम है वो अभी भी चल रहा है, यानी कि मैं उसमें एक पैसा तक रिचार्ज नहीं किया हूँ। फिर भी आज से 7 दिन पहले वो पूजा फेस्टिवल बोल के एक ऑफर में वो लोग 187 रुपीज़ दिया है, ठीक है। सो कोई भी सिम वो लोग बंद नहीं किया है। सो उनका टोटल मतलब कंज्यूमर हो जाएगा 65
करोड़, ठीक है, टोटल आबादी है 110 करोड़, 120 करोड़, ठीक है। सो इसमें से 50% मार्केट तो खुद ले लिया, उसके बाद धीरे धीरे और भी बढ़ाएगा, क्योंकि देखिए जब आपको जियो फ़ोन से अगर दूसरा फ़ोन में कॉल करने में प्रॉब्लम हो, जियो से जियो लग रहा है तुरंत, तो आप लोग डेफिनेटली थोड़ा धीरे धीरे करके सभी जियो फ़ोन ले लेंगे, तो टोटल इन लोगों का मार्केट एक तरफा हो जाएगा, यही ये लोग का बिजनेस स्ट्रेटजी। चलिए ये रख, और एक चीज़ बता देता हूँ, हम सब जानते हैं कि जियो ने हर साल आपको अगर जियो फ़ोन को लेना रखना है तो 1500 रुपया करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो 1500 रुपये जोड़िए साल की, उसके बाद वो लोग लगभग एस्टिमेट दिया है कि 50 करोड़ फ़ोन देने वाला है, ठीक है, 50 करोड़, 1000 हो गया, लाख हो गया, 50 करोड़ हो गया, इसको इक्वल करते इतना अमाउंट उसका हर साल का मुनाफा होने वाला है, ठीक है। उनमें अगर 3 साल बाद वो आप लोग को अगर 1500 रुपये रिफंड कर भी दे तो भी उनका कोई कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो आपसे इतना तो वसूल कर रहा है। दूसरा बात, आप 1500 रुपये करके इन्वेस्ट किए हैं, वो आपका एक इन्वेस्ट है, उसका ऊपर वो उसको कंपनी में लगा के उससे आप लोग एक तरह से आप लोग उसका शेयर होल्डर बन रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और 1500 रुपया वो जब आप 3 साल बाद उसको वापस लेंगे, आपको उसका इंटरेस्ट तो नहीं पे करेगा ना। तो जियो फोन टोटली जो बोल रहा है कि फ्री है, टोटल फ्री नहीं है, आप समझिए, उसका ऊपर एक इंटरेस्ट आता है 3 साल बाद, वो इंटरेस्ट तो कम से कम आपको तो नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ फ़ोन अगर अच्छा कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में है तो ही आपको रिफंड मिलने वाला है, अदरवाइज आप तो रिफंड को भूल जाए। और 3 साल तक फ़ोन चलेगा ऐसा भी कोई गारंटी तो है नहीं, ठीक है। तो फ़ोन टोटली फ्री नहीं है, ये एक तरह का बिजनेस स्ट्रैटेजी है, मैं आपको हर बार बता रहा हूँ। सो प्लीज़ जो लोग बिजनेस करना चाहते आप लोग इसे पॉजिटिवली लीजिए, ओके लीजिए। शायद मैं आप लोग को बता पाया कि वो लोग क्या चाहते, इसी पूरा टोटल इसी चीज़ को आप खुद के ऊपर भी एप्लीकेबल करें। बट हाँ, वो जियो जो है पूरा कंट्री के लिए कर रहे हैं, आप खुद अपना एरिया के लिए करिए पहले, उसके बाद धीरे धीरे करके ग्रोथ करिए। मतलब आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, आपका जो जो भी प्रोडक्ट आप लोग सेल करना चाहते हैं उसके सबसे पहले 3 चीज़ें के ध्यान रखिए। एक, उसका क्वांटिटी सही होना चाहिए, क्वालिटी सही होना चाहिए, एंड मिनिमम कॉस्ट जो है वो ना होना चाहिए, मतलब आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है मिनिमम होना चाहिए। और पहले पहले जियो जैसे किया है फ्री है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग फ्री दीजिए, पहले मतलब मिनिमम आपका जो प्रॉफिट है मिनिमम रख के उसको मार्केटिंग कीजिए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आपका जो क्वांटिटी अगर सही है, क्वालिटी अगर सही है, डेफिनेटली कंज्यूमर जो है वो सामान थोड़ा थोड़ा कर धीरे धीरे करके उस तरफ बढ़ेगा, तो आपका धीरे धीरे मार्केट ग्रोथ करेगा। जब आपका एक ब्रांड हो जाएगा या प्लेटफॉर्म आप क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपका मार्केट ग्रो करता रहेगा, ठीक है। यही चीज़ से मैं बताना चाहता हूँ, ये आप लोग एप्लीकेबल कीजिए। यहाँ पर आप जियो के बुरा ही मत देख के जियो का अच्छा ही देखिए, मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखिए खुद की बिजनेस में अप्लाई कीजिए ताकि आप खुद भी ग्रो कर सकते। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं दोबारा कोशिश करूँगा बताने के लिए। और प्लीज़ अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने का ज़रूरत नहीं है, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों भी इससे नॉलेज ले सके, ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ। और अगर पसंद ना आए तो ज़रूर डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक करने का रीज़न भी प्लीज़ बताइए, ओके, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।